देखिए, जो मेथनॉल है ये एक ऐसा फ्यूल है जिसको कि अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। अभी जो मेथनॉल अवेलेबल है हमारे पास वो एक केमिकल ग्रेड का मेथनॉल है, लेकिन जब अगर ऐसी मेथनॉल को आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज करना चाहेंगे तो इस तरीके के मेथनॉल के लिए आपको जो क्वान्टिटी होगी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से मेथनॉल बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको हम गैसिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। जो म्यूनिसिपल पार्टी वाले जो वेस्ट होते हैं जितने, इन वेस्टेज का भी आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप मेथनॉल बना सकते हैं। तो ये जो मेथनॉल इकोनॉमी है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नमस्कार, आज मैं कानपुर IIT में हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स की टीम ने एक बायोफ्यूल से चलने वाली बाइक तैयार की है। मेरे साथ हैं IIT में PhD स्टूडेंट्स हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र जी, ये आप इस बाइक के बारे में बताइए कि बायोफ्यूल के बारे में इतनी चर्चा देश में होती रहती है कि बायोफ्यूल तैयार हो गया है, सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब सवाल ये उठता है कि ऐसी बाइक या ऐसे व्हीकल्स कब हमें सड़कों पर नज़र आएंगे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहले ये बताइए कि ये जो आपने हीरो कंपनी की बाइक ये तैयार की है, ये बायोफ्यूल से चल रही है? जी, ये बायोफ्यूल से चल रही है। हम इसको चला रहे हैं M85 फ्यूल, जिसमें कि 15% गैसोलीन होता है और रिमेनिंग 85% मेथनॉल चला रहे हैं। तो अभी ये जो बाइक आप देख रहे हैं, हमारी तरफ से जो टेक्निकल पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये टेक्नोलॉजी हमने हीरो मोटर्स को दे दी है। और जल्दी ही आप इस तरीके की बाइक का प्रोडक्शन देखेंगी और ये सड़कों पे आपको देखने को मिलेगी। नहीं अखिलेंद्र जी, ये बताइए, ये इसमें जो बायोफ्यूल आपने यूज़ किया है, आपने बताया कि 15% इसमें गैसोलीन है और 85% मेथनॉल है। अच्छा, ये बताइए, मेथनॉल पे कई प्रयोग होते रहे, अभी जो ये आप लोगों की कानपुर IIT के स्टूडेंट्स की टीम ने ये तैयार किया, तो अभी जो आप जो आपके प्रोफेसर हैं डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, वो बता रहे थे कि मेथनॉल में भी नए प्रयोग हो रहे हैं और अब जो नई जनरेशन का मेथनॉल है वो बता रहे थे कि पराली जो वेस्टेज है, जो पराली है, डोमेस्टिक वेस्ट है और जो कोल है जो बेकार पड़ा रहता है, जो राख के रूप में रहता है, उसको कंपाइल करके उसको यूज़ करके मेथनॉल बना लिया गया है, तैयार है, और वो भी इस तरह की बाइक में यूज़ हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, जो मेथनॉल है ये एक ऐसा फ्यूल है जिसको कि अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। अभी जो मेथनॉल अवेलेबल है हमारे पास वो एक केमिकल ग्रेड का मेथनॉल है, लेकिन जब अगर ऐसी मेथनॉल को आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज करना चाहेंगे तो इस तरीके के मेथनॉल के लिए आपको जो क्वांटिटी होगी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से मेथनॉल बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको हम गैसिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। तो जो गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं कोल, जो हाई एस कोल है, हम इंडिया में लगभग 70-80% कोल है जिसको कि हम कहीं और नहीं यूज कर सकते, वो बेकार कोल है। उसको हम पावर सेक्टर, पावर प्लांट पे नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे केस में उस कोल से का हम गैसिफिकेशन कर सकते हैं और गैसिफिकेशन के बाद उस कोल को हम मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेथनॉल बनाने के बाद और अलग अलग केमिकल टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अलग तरीके के फ्यूल जैसे DME इस तरीके के फ्यूल्स को भी हम बना सकते हैं। जो दूसरा एक टेक्निक है जिसको हम गैसिफिकेशन टेक्निक जहाँ पे यूज़ की जा सकती है वो है वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरों से निकलने वाला कूड़ा है। जी, जो म्यूनिसिपल पार्टी वाले जो वेस्ट होते हैं जितने, इन वेस्टेज का भी आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप मेथनॉल बना सकते हैं। तो ये जो मेथनॉल इकोनॉमी है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि जो हम मेथनॉल बनाएंगे वो हम इस तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट से बनाएंगे और उसका यूज हम करेंगे एज ए यूजफुल फ्यूल, जिससे कि फ़ायदा हमारा क्या होगा, जो पॉल्यूशन पार्ट है वो कम होगा और सेकेंड थिंग जो हमारा डीजल जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सारे वो भी रिड्यूस होगा। तो इससे हमें जो है एक दोहरा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइए, जो ये मेथनॉल यूज़ हो करेंगे इस तरह की बाइक में, आपको लगता है कि बाइक की जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, इंजन है, उसमें प्रॉपर रहेगा, वो इफेक्टिव रहेगा? अभी तक जो हमने जितनी भी टेस्टिंग की है उसमें हमें यही मिला है कि मेथनॉल से फ्यूल जो बाइक है उसकी हाई मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो भी ज़्यादा है, थर्मल एफिशिएंसी पार्ट भी ज़्यादा है और जो एक्सीलरेशन होता है जो एक सर्टेन स्पीड गेन करने में जो टाइम लगता है वो भी हमारा मेथनॉल फ्यूल बाइक में अच्छा है। लेकिन मेथनॉल यूज करने का जो टू व्हीलर सेक्टर है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मेथनॉल यूज करने का जो मेजर एडवांटेज है वो एमिशंस है, क्योंकि आप जो गैसोलीन और डीजल फ्यूल व्हीकल्स होते हैं इसमें जो एमिशंस होते हैं जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप मेथनॉल यूज करेंगे तो मेथनॉल से ये एमिशंस जो होते हैं काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। अभी क्वांटिटेटिव अमाउंट अगर हम रफली बोलें तो मेथनॉल से जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो अप टू 50-60% रिड्यूस किया जा सकता है और नॉक्स में भी एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलता है। अच्छा, बताइए, अगर इस तरह की मेथनॉल और इससे आप बायोफ्यूल से इसको बना रहे हैं तो इस हीरो तो बहुत सालों से बाइक बना रहा है, क्या इसके इंजन में, इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने पड़े? देखिए, कोई भी नया फ्यूल अडॉप्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूरी होते हैं।
तो जो हीरो बाइक की आपने बात की है, तो ये हमारी बाइक होती हैं जो कि एक कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी पे होती है जिसमें कार्बोरेटर यूज किया जाता है। तो मेथनॉल के साथ जो मेजर इश्यू होता है कि जो एक प्रॉपर्टी होती है फ्यूल की होती है कैलोरीफिक वैल्यू, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, तो मेथनॉल की जो नेट एनर्जी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। तो इस वजह से जो अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें इंजेक्ट करना पड़ता है वो ज़्यादा होता है मेथनॉल के केस में। तो वो ज़्यादा अमाउंट फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए कार्बोरेटर के जो नोजल होता है उसके डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस करने के बाद ही हमने ये बाइक डेवलप की है। तो अगर आप कॉस्ट की बात करेंगी तो कॉस्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। बस अगर आप इसको प्रोडक्शन एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो इसमें जो कार्बोरेटर है उसमें ये मॉडिफिकेशन हमें उसके स्टार्टिंग से देना पड़ेगा। तो कॉस्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, ये बाइक जो है फिलहाल आप आईटी कैंपस में चलाते रहते हैं कि बाहर भी चलाइए? नहीं नहीं, अभी इन बाइक्स को हम आईटी कैंपस में टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसको एक सर्टेन अमाउंट कुछ डिस्टेंस तक नहीं चला लेंगे हम भी ये नहीं श्योर हो सकते कि हमारा कॉन्सेप्ट वैलिड है या नहीं। तो अभी हम लोग इस कैंपस में ही चला रहे हैं, तो विद इन कैंपस आई थिंक हम लोग इसको 300-400 किलोमीटर रन कर चुके हैं मेथनॉल पे। अच्छा, मेथनॉल पे 300-400 किलोमीटर चल चुकी है और बिल्कुल शानदार सवारी है। अभी आपने खुद देखा इसका ट्रायल, तो अभी तक इसमें कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। चलिए, थैंक यू। तो ये थे अखिलेंद्र प्रताप सिंह आईआईटी कानपुर के, इन्होंने ये बायोफ्यूल से चलने वाली बाइक तैयार की है, इन्होंने और इनकी टीम ने तैयार की है, कई सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल की गाइडेंस में इसको तैयार किया गया है। और ये उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही हम ऐसी बाइक सड़कों पर दौड़ते हुए देखेंगे। इस समय मैं कानपुर आईआईटी की लैब में हूँ और ये बायोफ्यूल से बनने वाला चलने वाला ये जेनसेट है। मेरे साथ हैं डॉक्टर विक्रम कुमार, इन्होंने आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया है और जो ये बायोफ्यूल से चलने वाला जेनसेट है वो इनकी टीम ने तैयार किया है। मैं उनसे पूछती हूँ, विक्रम जी बताइए कि ये जेनसेट कैसे चलता है? जी हाँ, मेथनॉल जो बायोफ्यूल है उसका हम दो तरह से, एक तो ब्लेंड करके फ्यूल में डीजल या पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम इंजेक्ट करके। तो मेथनॉल को डायरेक्ट हम कंबसन चैम्बर में भी इंजेक्ट कर सकते हैं और पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, तो जो इनलेट पोर्ट होता है जहाँ से एयर फ्लो कर जाता है वहाँ पे हम मेथनॉल को सेपरेट इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट करते हैं, तो एयर के साथ मिक्स होके तो बेटर मिक्सिंग होती है और मिक्स होके कंबसन चैम्बर में जाता है। और डीजल का डायरेक्ट जितना अमाउंट है इट्स वेरीज फ्राम 15% टू 87%, तो हमने अभी 87% तक डीजल को मेथनॉल द्वारा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिप्लेस किया है। अच्छा, इसमें जो बायोफ्यूल इस जेनसेट में यूज़ हो रहा है इसमें 87% मेथनॉल है और 13% डीजल है। अच्छा, ये जेनसेट ये जो कहीं शहरों में गाँव में कहीं भी यूज़ होने वाला है? जी हाँ, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने जैसे कि ये डेवलप छोटा सा डेवलपमेंट किया, ये एयर फ्लो यहाँ से जो है एयर फ्लो करती है, तो यहाँ पे हमने इंजेक्टर्स लगाया है जो नियर अबाउट 800 इसका कास्ट जो है 800 के आसपास आता है, तो उसको हमने लगाया है ताकि ये एयर के साथ मिक्स होके मेथनॉल कंबसन चैम्बर में जाए और डीजल जो है डायरेक्ट इसमें इंजेक्ट होता है। तो इसके द्वारा जो है कि डीजल जो है इन टर्म्स एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में 87% तक हमने रिप्लेस किया है। आप ये बताइए कि ये जो बायोफ्यूल से चलने वाला जेनसेट है इसकी एफिशिएंसी कैसे, मतलब कई बार जब बायोफ्यूल की बात आती है लोगों को लगता है पता नहीं ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसकी एफिशिएंसी ये पूरा इफेक्टिव होकर काम करेगा? जी हाँ, ये इसकी एफिशिएंसी डीजल के कंपेरिजन में 1-3% ज़्यादा है। इसका जो है इफिशेंसी जो बढ़ोतरी हुई है 3-4% बढ़ा हुआ है। और इसकी जैसे कि हम जो पॉल्यूशन है इसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है जैसे पर्टिकुलेट मैटर्स जो कि बहुत हानिकारक होता है कैंसर, और इस तरह से डीजल जो इमिशंस होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, कैंसर और डिफरेंट तरह के जो है रोग होते हैं, तो उसको ये डिक्रीज कर सकता है। ये इमिशंस जो है हार्मफुल इमिशंस ये नियर अबाउट 30-40% रिड्यूस हो जाएगा, जैसे पराली हो गया जो कि वैसे खेतों में जला देते हैं और जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनता है, और सिटी जो गार्बेज है वो पोल्यूशन के लिए बहुत घरों से निकलने वाला कूड़ा है, तो इसको हम मेथनॉल में इसका यूज करके गैसिफिकेशन द्वारा मेथनॉल बना सकते हैं, और उस मेथनॉल को हम इस जेनसेट में यूज कर सकते हैं। और जो तो आप कह रहे हैं इसके दोहरे फायदे हो, एक तो जो पराली जो फालतू जाता है पोल्यूशन करता है, घरों का कूड़ा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वेस्ट चला जाता है, वो सब का यूज़ करके आप मेथनॉल बना लेंगे, प्लस जो मेथनॉल से चलेंगे जनरेटर वो कम पोल्यूशन करेंगे। हाँ,
डीजल की अपेक्षा इनका पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है। कितना कम हो जाएगा? इट्स 30-40% कम हो जाएगा इसका पोल्यूशन। अच्छा, अगर मेथनॉल से चलाते हैं जनसेट तो उसका पोल्यूशन जो है करीब 30-40% कम हो जाएगा। अच्छा, इसकी कीमत में क्या अंतर आएगा? कीमत में जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगे तो उसका कीमत नियर अबाउट सेम ही रहेगा, 1000 रुपये। हमने रिसर्च इंजन बनाया है तो ये इसमें हमने मैक्सिमम जो है कि 2000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा हुआ है उस मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन जब हम प्रोडक्शन आस्पेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ये कॉस्ट उसके मायने नहीं रखता, इट्स कैन बी कम्पनसेटेड एनीवेयर। तो ये जो टोटल कॉस्ट है नियर अबाउट सेम रहेगा। लेकिन फ्यूल कॉस्ट तो कम हो जाएगी? हाँ, फ्यूल कॉस्ट जैसे कि अभी जो पेट्रोल है वो 70-75 सिटी वाइज वेरी कर रहा है, और इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी मेथनॉल की, इसकी जो है कि नियर अबाउट 14-15 रुपये पर लीटर आएगा। 70 रुपये पर लीटर वो है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आधा है। तो हमें क्या होगा कि दूना अगर हम पेट्रोल यूज करके 1 लीटर बर्न करते हैं तो हमें 2 लीटर करना पड़ेगा। तो 2 लीटर करेंगे 15×30 प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे 40 रुपये, तो जो 70 रुपये वैल्यू थी वो 40 रुपये में हम आराम से चला सकते हैं। अच्छा, ये जो बायोफ्यूल से चलने वाला जेनसेट तैयार किया आप लोगों ने, इसमें कितना टाइम लगा और आपकी टीम में कौन कौन लोग थे? ये करीब 2-2.5 साल लगे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। इसमें 8-10 लोगों की टीम थी। सारे स्टूडेंट्स हैं? आईआईटी के स्टूडेंट हैं सारे? करीब हाँ, सब आईआईटी के स्टूडेंट हैं, स्टाफ्स हैं, लैब के हाँ, बीटेक ड्यूअल डिग्री, एमटेक स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट और लैब स्टाफ, सबने इसमें काफ़ी मेहनत किया है। तो इसका नतीजा है कि आज ये फाइनल स्टेज में है, रेडी है। तो ये थे विक्रम कुमार जी, आईआईटी कानपुर से रिसर्च कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये बायोफ्यूल से चलने वाले और भी नए व्हीकल्स और प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे। फिलहाल बाइक और जनरेटर इन्होंने पूरी तैयार कर लिया, और इन आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि जल्दी ये चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी और हमारे देश में पॉल्यूशन कम होगा और पेट्रोल और डीजल पर जो एफिशिएंसी बहुत डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वो कम होगी और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। मैं बता दूं कि प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को इंजीनियरिंग फील्ड में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी कानपुर की सर अभी लैब में मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, उन्होंने बायोफ्यूल से चलने वाला जो बाइक और जेनसेट तैयार किया है, स्टूडेंट तो काफ़ी मोटिवेटेड है, उनको लग रहा है कि ये बहुत मेहनत से तैयार किया गया है प्रोजेक्ट है और जल्दी हम सड़कों पर ये 2-व्हीलर बायोफ्यूल चलने वाला देख पाएंगे। सर, आपकी गाइडेंस में स्टूडेंट ने काम किया, कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी? देखिए, ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो हम भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशन में कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक जो है भारत को 10% पेट्रोलियम इम्पोर्ट कम करना होगा, जबकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट समय के हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन इम्पोर्ट हमें कम करना है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जो इंडिजीनियस हो। तो इसके लिए नीति आयोग मिथेनॉल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, और उसके अंतर्गत जितना भी पराली बर्निंग जो होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग जो हमारे फील्ड्स में होती है, जिससे नवंबर दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको यूज़ करते हुए, और जो शहरों से निकला हुआ कचरा है उसको यूज़ करते हुए, या हाई एश कोल को यूज़ करते हुए उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, और मिथेनॉल की उसकी कीमत काफ़ी कम रहती है, पर यूनिट एनर्जी बेसिस पर वो करीब करीब 40-50% कम उसकी कीमत होती है कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल। तो इस हिसाब से, और वो पर्यावरण के लिए इन कन्वेंशनल फ्यूल्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। तो आईआईटी कानपुर इंजन रिसर्च लैब में हम लोग वाहन और यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, और हमने 2 प्रकार की मोटरसाइकिलों का विकास किया है उनके मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो पहले मैन्युफैक्चरर हैं वो देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं 100-125 cc की मोटरसाइकिल के लिए जो कार्बोरेटर के द्वारा चलती हैं। तो उनके साथ काम करते हुए हमने काफ़ी व्हीकल में कुछ चेंजेस किए हैं, कंपनी के साथ हम जो है काम कर रहे हैं, और उसमें अगर ये हमने जो सजेस्टेड चेंज किए हैं वो किए जाएंगे तो उसमें लगभग 100-150 रुपए का खर्चा आएगा मात्र। और आप 15%
गैसोलीन को, पेट्रोल को मेथनॉल से चेंज कर सकते हैं और उससे आपके जो फ्यूल की कीमत है वो भी कम होगी और आप समझ सकते हैं कि 70% रजिस्टर्ड वाहन जो देश में हैं वो इसी कैटेगरी में हैं, टू व्हीलर हैं 100-125 कैटेगरी के। तो ये एक मासेस में जाने वाला प्रोग्राम है और अगर भारत सरकार इसको ऑर्गेनाइज तरीके से फ्यूल को प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारा प्लान है, तो ये काफ़ी प्रदूषण में और देश को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में काफ़ी कारगर काम करेगा। दूसरा डेवलपमेंट हमने किया है एक और दूसरी कंपनी के साथ, जो पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन को यूज़ करते हुए 500 सीसी का हमने गाड़ी विकसित किया है और ये कंपनी के साथ ही विकसित किया है। उसमें हमने 85% गैसोलीन है उसको डिस्प्लेस किया है, केवल 15% पेट्रोल यूज़ होता है, 85% मेथनॉल यूज़ होता है और वो भी काफ़ी सफल प्रयोग रहा है। इसके अलावा हमने एक जेनसेट कंपनी के साथ काम किया है और उसमें हमने लगभग 87% डीजल को हमने डिस्प्लेस किया है मेथनॉल से। तो ये तीनों हमने कंपनीज के साथ ही मिलकर के काम किया है, हमारे छात्रों ने सारा काम किया है, उन्होंने लैब में डेवलपमेंट किया, फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास जा कर के उनके हिसाब से डेवलप किया, वो सारे हमारे ऑनबोर्ड हैं इस प्रोसेस में। क्योंकि अगर हम लैब में कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जो कंपनी को स्वीकार नहीं है तो वो विकास कार्य जो है बेकार हो जाता है, इसलिए हमने इस बार इंश्योर किया है कि कंपनी हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ को डेवलप कर रही हैं और ये काफ़ी एक सफल प्रयोग होगा। अगर ये आगे बढ़ता है, भारत सरकार इसमें कुछ अच्छे पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं, तो भारत को एनर्जी के फील्ड में स्वयं पर निर्भर करने की दिशा में काफ़ी इफेक्टिव कदम होगा। सर देखें कि हमारे देश में पिछले 20-25 साल से बायोफ्यूल पर बहुत काम हो रहा है, समय समय पर हम ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं कि बायोफ्यूल से ये चलने वाला है, लेकिन कभी भी ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला कि हम अपनी सड़कों पर बायोफ्यूल वाले व्हीकल्स देख पाएँ या अन्य चीज़ें देख पाएँ, क्योंकि हमेशा बायोफ्यूल की एफिशिएंसी को लेकर, उसकी कॉस्ट को लेकर सवाल उठते रहे। अभी आपकी लैब में काफ़ी कुछ काम हो गया है, वाहन पे हो गया है, टू व्हीलर पे हो गया है और जेनसेट पे हो गया है, अभी आप कितना प्रैक्टिकल और कितना ये देख रहे हैं, कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि सड़कों पर हम ये बायोफ्यूल चलने वाले हम वाहन देख पाएंगे? देखिए, आप सही कह रही हैं, भारत में लगभग 1970 के दशक से बायोफ्यूल्स पर बहुत काम हो रहा है और कई सारे फ्यूल्स पर काम हुआ जिसमें इथेनॉल और बायोडीजल मुख्य हैं। बायोडीजल पे बहुत रिसर्च हुआ है और लगभग सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके जो है कवर किए जा चुके हैं और टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ तक रिसर्च वर्क का सवाल है, मैच्योर टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में समस्या यही है कि जब तक बायोफ्यूल के लिए कोई आपका रिसोर्स है, जब तक उसका यूज़ नहीं है, उसकी कीमत कम रहती है और जैसे ही आप ये दिखा देते हैं कि आप इससे बायोफ्यूल बना सकते हैं तो मार्केट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे पूरी इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो जाती है। तो एक इस 20-30 साल में हमने यही सीखा है कि कोई भी चीज़ ऐसी फीड स्टॉक अगर है जिसको हमें उगाना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उसमें ये डिमांड एंड सप्लाई इशू रहेगा, उसमें कॉस्टिंग का इशू रहेगा और इन सब से इकोनॉमिकली बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप बायोडीजल को देखें तो कई जगह पर भारत में बायोडीजल कमर्शियली अवेलेबल है और भारत सरकार की बायोफ्यूल पॉलिसी हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिसी है। ये जो अभी जो दो नए बायोफ्यूल प्रमोट किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें दोनों में ये इशू नहीं है। जैसे आप मिथेनॉल को देखें तो मिथेनॉल में आप वेस्ट पदार्थ यूज़ कर रहे हैं जिसको आपको डिस्पोजल की बहुत प्रॉब्लम है। दिल्ली आप जाएंगे तो दिल्ली के जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहाँ पे पराली से लोग बहुत परेशान हैं, पहाड़ जो है कचरे के लगे हुए हैं, उस कूड़े के कचरे में कार्बन है, उस कार्बन को आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ एक विल पावर की ज़रूरत है ताकि ऑर्गेनाइज तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जा सके। तो अब भारत सरकार ने पहली बार 60 साल में एक डायरेक्शन में बहुत विल पावर और बहुत विल टू इम्प्लीमेंट दिखाई है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो मिथेनॉल का प्रमोशन हो रहा है और पॉलिसीज अगर बनती हैं तो ये आप बहुत जल्द ही मिथेनॉल से चलने वाले वाहन जो है सड़कों पर देखेंगे। चाइना में इस वक्त पे 2 मिलियन वाहन मिथेनॉल से चल रहे हैं और जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई भी मिथेनॉल को प्रमोट करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया भारत सरकार की तरह। ये सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मिथेनॉल जो है वो इकोनॉमिकली वो बहुत इट मेक सेंस, उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, तो प्राइवेट लोग अपने मन से शुद्ध ये बेहतर फ्यूल पर स्विच कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है दूसरा बड़ा फ्यूल जो
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वो प्रमोट कर रही है, उसको बोलते हैं कंप्रेस बायोगैस। उसमें बड़े बड़े बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं जिसमें सब्जी मंडी से निकला हुआ कचरा या किसी या एग्रीकल्चर से निकला हुआ कचरा या पोल्ट्री वेस्ट या ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, ये सब जाएगा और उससे बायोगैस 5,000 मीटर क्यूब के प्लांट लग रहे हैं और उसमें लगभग 35% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा हाइड्रो H2S होती है, H2S गैस, उनको निकाल करके आप उनको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो प्रोग्राम है इसमें जितनी भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ ऑलरेडी इन प्लांट्स के ऑफ टेक एग्रीमेंट हैं कि भाई हम आप 46 रुपये पर किलोग्राम में आप ये गैस खरीद लेंगे और उसके बाद इसको आप मार्केट करेंगे। तो ये CNG का जो रिप्लेसमेंट है, और भारत सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि करीब 400 प्लांट शायद मेरे ख्याल से लगने वाले हैं और वो प्लांट्स ज़्यादातर हाईवेज़ के आसपास लगेंगे। तो आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में 3 साल में हाईवेज़ पर CNG कंप्रेस्ड बायो CNG जो है वो अवेलेबल होगी। तो हमें लगता है कि अगले 3-5 साल का जो आगे समय है उसमें दोनों मिथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस ये दोनों के वाहन लार्ज नंबर्स में आपको मार्केट में और रोड्स पर देखने को मिलेंगे। हाँ, थैंक यू सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो ये थे प्रोफेसर अग्रवाल IIT कानपुर के, जो बता रहे हैं कि जल्दी हम बायोफ्यूल वाले व्हीकल्स अपने सड़कों पर देख पाएंगे। 2-व्हीलर पर ऑलरेडी काम हो चुका है, अब ये 4-व्हीलर पर और ट्रेन के इंजन पर भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम बायोफ्यूल से चलने वाले वाहन सड़कों पर देख पाएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।